हेलो एवरीवन वेलकम टू फार्मर ऑक्स यूट्यूब चैनल फार्मर ऑक्स के यूट्यूब एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है इन टूडे वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द मेडिसिन फॉर डायरिया डायरिया के जिसको हम हिंदी में दस्त भी कहते हैं तो दस्त के जो घरेलू उपचार की जिसको हम कहते हैं होम रेमेडी और उसके लिए कौन सी दवाइयाँ यूज होती है कौन से मेडिसिन यूज होती है वो सभी को हम ये वीडियो लेक्चर में डिटेल में स्टडी करेंगे तो ये वीडियो लेक्चर आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा बिकॉज यहाँ पे हम जो मेडिसिन यूज होते हैं उसके बारे में भी स्टडी करते हैं करेंगे एज़ वेल एज जो होम रेमेडीज़ जो होती है प्लस जो डाइट होता है कि किस तरह से घर पे भी हम डायरिया को पेशेंट के डायरिया के पेशेंट को रिलीफ दिला सकते हैं डायरिया से एंड किस तरह से अलग अलग हम उपचार कर सकते हैं उसका घर पे ही कि जो होम रेमेडीज कही जाती है तो सभी को हम ये वीडियो लेक्चर में डिटेल में स्टडी करते हैं सो दिस एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर मिस्टर अमर एम रावल बी फॉम एम फॉम इन फार्मास्यूटिक्स पी एच डी असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मारॉक्स परसुंग हिज पी एच डी फ्रॉम गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी अहमदाबाद गुजरात सो so, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप सभी के सपोर्ट के कारण फार्मर ऑग्स ने अपने एक लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट किए हैं जिसके कारण यूट्यूब ने हमें सिल्वर बटन की जो यूट्यूब क्रिएटर अवॉर्ड है उससे सम्मानित किया है सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर बी इन ए वन लैक फैमिली ऑफ फार्मर ऑग्स सो अपडेटेड रहिए फार्मर नॉलेज के साथ सब्सक्राइब करिए चैनल को प्रेस करिए बेल आइकॉन एंड नेवर मिस एनी वीडियो ऑफ फार्मर ऑग्स गेट द लिंक ऑफ फार्मरऑक्स एप इन डिस्क्रिप्सन बॉक्स एंड एक्सेस द स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर तो अगर पा अगर आपके पास आईफोन है तो आप एप्पल आईफोन के लिए भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं आप एंड्रॉयड यूज़र है तो गूगल प्ले स्टोर पर से ऐप को डाउनलोड करिए लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्सन बॉक्स में दे दी है तो आज का जो हमारा टॉपिक है मेन डायरिया कि जिसको हम लूज़ मोशन भी कहते हैं डायरिया के जो अलग अलग वर्ड लूज मोशन उसके अलावा हिंदी में उसको हम दस्त कहते हैं दस्त की बीमारी की जिसके अंदर जो हमारी बाउल मूवमेंट है वो काफ़ी फ्रीक्वेंट हो जाती है और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो काफ़ी इंक्रीज़ होती है अबाउट द स्टूल डायरिया इज कैरेक्टराइज बाय लूज एंड वाटरी स्टूल कि जो हमारा स्टूल यूजअली कैसा होता है यूजअली जो हमारा स्टूल होता है वो होता है सॉफ्ट यूजअली सॉफ्ट होता है स्टूल और समझो कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है टू टू थ्री टाइम्स समझो कि मिनिमम हम कंसिडर करते हैं इन ए डे और ये बाउल मोमेंट इंक्रीज होके दिन में समझो कि उससे काफी इंक्रीज हो रही है मोर देन लिख सकते हैं हम कि मोर देन टू टू थ्री और स्टूल यहां पे हो जाता है वाटरी कि काफी और लिक्विड जैसा स्टूल हो जाता है जिसको हम कहते हैं डायरिया तो डायरिया से तो सब कोई वाकिफ ही होगा तो मेन हमारा इंपोर्टेंट टॉपिक है कि उसको कैसे ट्रीट किया जाए कि इट इज़ यूजली लास्ट ए फ्यू डेज एंड ऑफन डिसेफेयर विदाउट एनी ट्रीटमेंट डायरिया कैन बी एक्यूट और क्रॉनिक एक्यूट डायरिया कर्स वैन द कंडीशन लास्ट फॉर वन टू टू डेज एक से ज़्यादा दिन के लिए समझो कि ये कंडीशन रहती है तो वो जो है एक्यूट डायरिया कहे जाएंगे द पासज ऑफ थ्री और मोर देन थ्री लूज और वाटर इज स्टूल इन ट्वेंटी फोर आवर्स की जो नॉर्मल है टू तो समझो कि टू टू थ्री टाइम्स पर डे समझो कि हम कंसिडर करते हैं और ये जो स्टूल है वो नॉर्मल सॉफ्ट स्टूल है जबकि उससे ऑपोजिट यहाँ पे डायरिया की कंडीशन दिखी है और ये ऑलरेडी यह सिंबल दिखाया है कि ये जो स्टूल है वो काफी लूज है प्लस वाटरी स्टूल होता है और जो फ्रीक्वेंसी हम का है तो मोर देन मोर देन थ्री और मोर देन टू टू थ्री होता है इन ट्वेंटी फोर आवर्स और कई बार स्टूल के अंदर ब्लड भी आता है तो ये होते हैं कंडीशन डायरिया तो एक्यूट डायरिया रिफर्स टू इलनेस नॉट लास्टिंग लॉन्गर देन फोर्टी डेज तो ये है डायरिया तो डायरिया कई बार हो जाता है कि अलग अलग रीजंस कि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन्स के कारण वाटर कोई कॉन्टामिनेटेड आपने लिया है फूड पॉइजनिंग के कारण तो डायरिया बहुत सारी अलग अलग कंडीशंस के अंदर होता है डायरिया के जो पैथोफिजियोलॉजी है साइन एंड सिम्टम्स कोजिस वगैरह हमने ऑलरेडी आपके लिए वीडियो लेक्चर बनाए हैं तो आई बटन पे क्लिक करके आप उसको डिटेल में देख सकते हैं जिसमें हमने डायरिया होने के जो रीज़न्स है पैथोफिजियोलॉजी है डायरिया क्यों होते हैं उसके सिम्टम्स वगैरह वो सब काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं आज का ये जो हमारा स्पेशल लेक्चर स्पेशली रहेगा ट्रीटमेंट एंड मेडिसिन के ऊपर ही है कि जिसके अंदर हम फोकस करने वाले हैं मेडिसिन एज वेल एज़ जो होम रेमिडीज के जो हम घरेलू उपचार कहते हैं फिर फूड डाइट कंट्रोल क्या कर सकते हैं फिर ओ आर एस का जो बेनिफिट है एंड न्यूट्रीशंस ड्यूरिंग द डायरिया तो ये सभी को हम ये लेक्चर में अब डिस्कस करते हैं तो डायरिया के जो रीज़न्स है कि इन्फेक्शंस के कारण फूड पॉइजनिंग ट्रैवलर्स डायरिया एंटीबायोटिक एनजाइटी फूड एलर्जी एक्यूट एपेंडिसाइटिस, एक्यूट रेडिएशन एंटेराइटिस इंटेस्टाइनल एलाइकेमिया तो ये अलग अलग एटियोलॉजी की जो हम कहते हैं कोजिस और रीजन कि जिसके कारण हमें डायरिया होता है तो आप देखिए फूड पॉइजनिंग ट्रैवलर्स डायरिया स्टमक फ्लू है प्लस ऐसे कुछ फूड्स मेडिकेशन की जिसके साइड इफेक्ट के तौर पे भी आपको डायरिया हो सकता है कई बार मिल्क आपको डायरिया कर सकता है मिल्क सोए प्रोटीन वगैरह आपके लिए प्रॉपर डाइजेस्टेबल ना हो तो भी उसके कारण डायरिया होता है तो ये सभी की जो डिटेल कोजिस हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं डिटेल में आई बटन पे क्लिक करोगे तो आपको वो लेक्चर के लिंक्स मिल जाएगी तो ट्रीटमेंट में, में मेडिसिन होम रेमेडी फूड डाइट कंट्रोल ओ एंड न्यूट्रिशंस वगैरह होते हैं तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं होम रेमेडीज़ कि समझो कि घर पे कोई आपके डायरिया का जो पेशेंट है तो उसके लिए आप होम रेमेडी कि घर पे कौन से कौन से ऐसे उपचार कर सकते हैं कि जिससे उसका डायरिया कंट्रोल हो सके तो सबसे पहले तो हाइड्रेशन कि लूज़ वाटरी डायरिया जो होते हैं कि स्टूल काफ़ी लूज़ हो जाता है वाटरी हो जाता है और जब बाउल मूवमेंट इंक्रीज़ होती है कि समझो कि आप को मोर देन टू टू थ्री टाइम्स जो है वो टॉयलेट के लिए जाना पड़ता है डायरिया के अंदर तो उसके कारण क्या होता है काफ़ी सारा जो लूज़ होता है आपका वाटर तो पेशेंट का जो वाटर लॉस होता है काफ़ी सारा प्लस एनर्जी भी काफ़ी चली जाती है उसके अंदर प्लस इलेक्ट्रोलाइट भी डैमेज होते हैं कि वाटर लॉस होता है एनर्जी और इलेक्ट्रोलाइट दोनों जो है वो स्टूल के साथ जो है वो रिलीज़ हो जाते हैं तो उसके कारण जो डायरिया का पेशेंट हो वो डिहाइड्रेशन जैसा फील करता है तो ज़रूरी है उसको हाइड्रेशन करना तो रेगुलरली उसको जो है वो आपको देना चाहिए वाटर विथ आप ग्लूकोज वगैरह के साथ भी वाटर दोगे तो भी अच्छा रहेगा कि ग्लूकोज वाटर प्रॉपर उसको हाइड्रेशन देने के लिए ग्लूकोज वाटर जो है वो हम दे सकते हैं जिससे उसको काफी फायदा होगा तो ये होगा सबसे पहले हाइड्रेशन वाला जो पॉइंट सेकंड है प्रोबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स मतलब कि ऐसे फूड की जो हमारे बॉडी के अंदर जो बेनिफिशियल जो बैक्टेरियाज होते हैं वो एंटर कर देस कि आप योगर्ट लेते हैं कर्ड वग़ैरह की जो हम दही कहते हैं उसको खाते उससे भी काफ़ी फ़ायदा होता है डायरिया के अंदर उसके अलावा कौन से फूड खाने चाहिए वो हम आगे डिस्कस करते हैं कि फ़ूड टू ईट एंड फूड टू के कुछ फूड ऐसे हैं कि जिसको खाने चाहिए कुछ फूड्स को एवॉइड करने चाहिए डायरिया में तो ये सब है होम रेमिडीज तो होम रेमिडीज़ के जो अंदर हम पेशेंट को बनाना भी दे सकते हैं फिर जिंजर फिर कैरेट का सूप मस्टर्ड सीड कैमोमाइल टी उससे भी फ़ायदा होता है साइलियम कैन प्लेन योगर्ट प्लेन योगर्ट इसलिए कि कोई इसके अंदर फ्रेवल वगैरह हमें ऐड नहीं करने हैं ना ही है कोई दूसरे इंग्रेडिएंट सिर्फ प्लेन योगर्ट या फिर जो हम कड़ कहते हैं दही वो भी पेशेंट को हम दे सकते हैं उसके अलावा जो ब्राइट ब्राट जो कहा जाता है वो आगे बताता हूँ मैं आपको और रो पता तो इतने जो फूड है वो काफ़ी इफेक्टिव रहते हैं डायरिया के अंदर कि जो होम रेमेडीज के जो घरेलू उपचार हम कहते हैं घरेलू उपचार में ऑन जानते हैं कि हाइड्रेशन प्रोबायोटिक्स फूड टू ईट फूड टू अवॉइड वगैरह तो उसके अंदर आप देखिए एवॉइड डिहाइड्रेशन इसलिए पेशेंट को अच्छे से आपको पानी देना चाहिए विद ग्लूकोज वगैरह तो भी काफी अच्छा है ट्राई द ब्राट ई डाइट ट्राई प्रोबायोटिक जो योगट है सीक इमरजेंसी ट्रीटमेंट इफ डायरिया लास्ट मोर देन थ्री डेज और एसोसिएटेड विथ हाई फीवर सीवियर इलनेस और ब्लड इन ए कि ये जो टिप्स है कि समझो कि पेशेंट को तीन दिन से ज़्यादा तक ऐसी कंडीशन हो रही है तो उसके जो डाइट है उसके अंदर तुरंत हमें ये चेंजेस कर देने चाहिए बिकॉज मेडिसिन तो इफ़ेक्टिव है ही बट साथ जो हम घरेलू उपचार करते हैं तो उससे मेडिसिन की भी इफ़ेक्टिवनेस इंक्रीज होती है कम दवाइयाँ लेने से भी पेशेंट जल्दी से ठीक हो जाता है तो यह है प्रोबायोटिक्स फूड टू ईट फूड टू एवॉइड एंड हाइड्रेशंस के बारे में अब बात करते हैं हम मेडिसिन की तो सीवियर टाइप ऑफ डायरिया ड्रग्स विदाउट ए प्रिस्क्रिप्शन की कुछ डायरिया के अंदर ओवर द काउंटर जो आपको मेडिसिन मिल जाती है उसमें एंटी डायरियल जो कहते हैं हम कि बिस्मत सबसेट कि विदाउट प्रिस्क्रिप्सन उसका मतलब कि ओ टी सी ओवर द काउंटर आपको ये मेडिकेशंस मिल जाते हैं जिसके अंदर है बिस्मत सबसेट काफी फेमस ये मेडिसिन है डायरिया के अंदर इफेक्टिव भी रहती है बिस्मोल कहा जाता है एज वेल एज के उसके अलग अलग वर्जन से फिर दूसरी लोप्राम दिस इज द वेरी पॉपुलर मेडिसिन इन डायरिया कि डायरिया में कई बार लोप्रामेड दिया जाता है यहाँ पे देख सकते हैं इमोडियम लोप्राम एच सी एल टू एम जी सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स एंटी डायरियल उसका ऊपर लिखा है एंटी डायरियल सॉफ्ट जेल्स कंट्रोल द सिम्टम्स ऑफ डायरिया और इसके अंदर ट्वेल्व जितनी सॉफ्ट जेल्स दी है तो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स का भी ऑप्शन एज वेल एज टैबलेट्स वगैरह भी आती है लोपरामाइड की कि वो काफ़ी इफेक्टिव रहती है डायरिया के अंदर कि दिस मेडिसिन कैन हेल्प स्लो और स्टॉफ लूज वाटरी स्टूल की जो सिम्टम्स हैं मेनली डायरिया के और ये इफेक्टिव है मेडिसिन ओवर द काउंटर कि प्रिस्क्रिप्स की, की जरूरत नहीं है ड्रग्स विदाउट ए प्रिस्क्रिप्शन फॉर डायरिया अब समझो कि वो वाले मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहा तो आगे अब जरूरत पड़ती है मेट्रोनिडाज की कि जिसका फेमस ब्रांड है फ्लैजाइल मेट्रोनिडाजल फॉर डायरिया मेट्रोनिडाजल भी काफ़ी पॉपुलर है कि समझो कि टैबलेट से ओरल रूट से पेशेंट ठीक होता है तो वो बट काफ़ी लूज मोशन के कारण अब पेशेंट ऐसा है कि वो टैबलेट भी से भी उसको ठीक नहीं हो रहा है बिकॉज जी आई ट्रैक उसका इतना इफेक्टिव है कि जिससे समझे कि वो टैबलेट लेता है तो भी वॉमिटिंग जैसा हो जाता है ओके okay? तो उस वक्त हम समझे कि उसको सलाइन लगाते हैं ड्रीप लगाते हैं मेट्रोनिडाजोल का इंजेक्शन तो उससे भी उसको काफ़ी फायदा होता है और ये सिंगल डोज कंटेनर होता है ना इंट्राविनस इन्फ्यूज़न जो हम कहते हैं उससे पेशेंट को काफ़ी फ़ायदा होता है तो पैरासाइटिक इन्फेक्शंस जो होते हैं कि कई बार माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण समझो कि पेशेंट को डायरिया हुआ है एम डिसेंट्री एंड जो डायरिया की जो हम कंडीशन कहते हैं वो दोनों में ये मेट्रोनिडाजल काफ़ी पॉपुलर बिकॉज एक टाइप का एंटीबायोटिक है और एंटीबायोटिक की जो कोई बैक्टीरिया के कारण स्पेशली बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण आपको डायरिया हुआ है तो वो जल्दी से जल्दी आपका ठीक कर देगा एन इन्फेक्शन ऑफ कॉलॉन कोजिंग द ब्लडी डायरिया उसमें भी इफेक्टिव है एंड यूज़ ओरली एज वेल एज पेरेंट्रली टू ट्रीट द डायरिया तो दोनों ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं कि समझो कि पेशेंट टैबलेट लेने के लिए और रेडी है मीन्स उसके कंडीशन ऐसी कि टैबलेट ले सकता है तो आप टैबलेट से उसका जो है वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं बट समझो कि वो ऐसी हालत में कि आप टैबलेट से उसको क्योर नहीं कर सकते तो उस वक्त आपको मेट्रोनिडाजोल का जो ड्रीफ है वो जरूर से लगाना पड़ेगा पेशेंट को और मेट्रोनिडाजोल के साथ कॉम्बिनेशन में सिप्रोफ्लोक्सासिन होता ही है तो मेट्रो एंड सिप्रो का कॉम्बिनेशन बनता है वेरी वेरी इफेक्टिव कि मेट्रो एंड सिप्रो जो कहा जाता है कि मेट्रोनिडाजोल एंड सिप्रोफ्लॉग्जासिन दोनों का ये इंट्रावेनस इन्फ्यूज़न जो काफ़ी इफ़ेक्टिव रहता है और उससे पेशेंट जो है वो जल्दी से ठीक हो जाता है तो यहाँ पे भी सेम ही समझो कि टैबलेट ले सकता है पेशेंट तो मेट्रो सिप्रो दोनों की टैबलेट प्रेफर करवा सकते हैं बट समझो कि उसकी कंडीशन ऐसी है कि टैबलेट नहीं ले सकता और काफ़ी डायरिया है वॉमिटिंग जैसी भी हो रही है तो उस वक्त मेट्रोनिडाजोल सिप्रोफ्लॉक्सिन दोनों के जो इंट्रावेनस इन्फ्यूज़न काफ़ी इफेक्टिव रहेंगे एज वेल एज इफेक्टिव इन एडल्ट विद ट्रैवलर्स डायरिया और 500 सौ की टेबलेट रहती है एज वेल एज आई वी इन्फ्यूज़न भी उसका काफ़ी इफेक्टिव है टू ट्रीट द कंडीशन ऑफ ए डायरिया यू आर टू एन एरिया वेयर टी डी इज पॉसिबिलिटी यू मे प्रिस्क्राइब सिप्रो और सिमिलर एंटीबायोटिक फॉर ऑन योर ट्रिप अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ऐसी कोई ट्रिप पे जा रहे हैं और आगे जाके आपको ट्रावलर्स डायरिया हो सकता है तो आप प्रिकॉशंस के तौर पे अपने साथ मेट्रोनिडाजोल सिप्रोफ्लॉक्सिन साथ में रख सकते हैं, जिससे आगे जाके आपको काफ़ी फायदा होगा फिर अब आगे बात करते हैं हाइड्रेशन फॉर डायरिया की जो हाइड्रेशन की जो हम बात करते हैं तो हाइड्रेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट व्हेन यू हैव ए डायरिया कि उसके अंदर हम बात करते हैं कि ओ आर एस कि ओ आर एस की जो इलेक्ट्रोलाइट लॉस होते हैं जो मैंने बात की तो ग्लूकोज वाला भी आप वाटर दे सकते हैं बट समझो कि ओ आर एस देंगे तो भी काफ़ी ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चों को बच्चे हैं उनको ही ओ आर एस दे कोई एडल्ट को भी समझो कि डायरिया है और ऐसी कंडीशन के उसके काफ़ी इलेक्ट्रोलाइट लॉस हुए हैं तो ओल्डर एडल्ट एज वेल एज यंगर चिल्ड्रन के जो डिहाइड्रेशन होता है फ्रॉम डायरिया कैन बी फैटल इन यंगर चिल्ड्रन एज वेल एज इन ओल्डर पेशेंट तो उस वक्त ओ आर एस आपके लिए काफ़ी इफेक्टिव है बिकॉज ओ आर एस के अंदर सभी इलेक्ट्रोलाइट्स एड हो जाते हैं कि लाइक सोडियम है पोटासियम क्लोराइड साइट्रेट डैक्स्ट्रोस कि जिससे पेशेंट फिर से हाइड्रेटेड हो जाता है और इसीलिए उसको हम कहते हैं ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट की जो डब्ल्यू एच ओ द्वारा रिकमेंडेड फॉर्मूला के अकॉर्डिंग टू आपको मिल जाता है तो सिंगल यूज सचेट होते हैं कि जो फ्लेवर वाले नॉन फ्लेवर दोनों अवेलेबल होते हैं मार्केट में तो ये था हाइड्रेशन फॉर डायरिया एज वेल एज समझो कि छोटे बच्चों को ऐसा है तो उनका ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू रखना चाहिए और फॉर्मूला फीडिंग इन फंट आर एक्सपीरियंस डायरिया तो ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ उनको ओ भी देना चाहिए कि जिससे काफ़ी फायदा होगा गया एंड ओवर द काउंटर ओरल पेडियाट्रिक हाइड्रेशन सॉल्यूशन लाइक ओ आर एस्ट मस्ट बी प्रीफर फॉर दिस की जो ओ टी मिल जाता है आपको ओवर द काउंटर एज वेल एज जो आप समझो कि सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो वहाँ पे से भी आपको फ्री ऑफ आप कॉस्ट ये मिल जाता है फिर जो प्रोबायोटिक्स की बात करते हैं हम कि प्रोबायोटिक्स आर गुड आर सोर्स ऑफ गुड बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया की जो काफी गुड है कि जो हमारे बॉडी के लिए बेनिफिट्स हैं दे आर एसेंशियल दे आर एसेंशियली लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम दैट एग्जिट इन सर्टेन फूड कि ऐसे कि जो हमारे एनवायरमेंट सॉरी हमारे घट के अंदर हेल्दी एनवायरनमेंट के जो हमारा इंटेस्टाइन है वहाँ पे हेल्दी एनवायरनमेंट रखते हैं ऐसे गुड बैक्टीरिया की जिसको हम कहते हैं बेनिफिशियल बैक्टीरिया कि जैसे कि एजिड सॉफ्ट चीजेस यूज करते हैं आप बीट कावास यूज करते हैं कॉटेज चीज डार्क चॉकलेट है ग्रीन ऑलिव है मीसो है नाटो योगर्ट एंड कर्ड वगैरह तो योगर्ट एंड कर्ड काफ़ी फेमस रहता है इवन समझो कि होम रेमेडीज की मैं बात करूं तो आप कड़ है या फिर योगर्ट है और उसके साथ समझो कि राइस लेते हैं या फिर खिचड़ी जो हम बनाते हैं वो भी आप दे सकते हैं पेशेंट को कि जिससे काफ़ी फ़ायदा होता है उसको अगर आपके पास ये सब अवेलेबल है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं बट यूजली योगर्ट या फिर उसके ऑप्शन में कर्ड आप दोगे पेशेंट को तो भी सिमिलर इफ़ेक्ट मिलेगी बिकॉज उसके अंदर भी गुड बैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट होते हैं तो ये है प्रोबायोटिक्स थेरापी डायरिया के अंदर उसके अलावा फूड टू ईट इन डायरिया एंड फूड टू एवॉइड तो सबसे पहले फूड टू ईट कैसे फूड खाने चाहिए कि जो ब्राट फूड कहते हैं कि जिसके अंदर लो फाइबर है तो बनानास है कि जो ब्राट का बी मतलब कि बनाना B for banana, R for rice यहाँ पे हम देख सकते हैं R for rice, A for apple sauce ये आप देख सकते हैं and fourth one that is toast तो BRAT की जो brat जो हम कहते हैं कि low fiber डाइट जिससे पेशेंट को काफ़ी फायदा होगा प्लस जो हम बात करते हैं कर्ड है प्लस राइस फिर जो हम बात कर रहे हैं खिचड़ी की कि जो हमारा ट्रेडिशन एक फूड रहता है कि जिसके अंदर काफ़ी कम मसाले डायरेक्टल जो सिंपल खिचड़ी जो हम बनाते हैं राइस और दाल वगैरह मिक्स करके वो या फिर राइस सिंपल सा और उसके साथ पेशेंट समझो कि कर्ड लेगा तो भी उसको डायरिया के अंदर काफ़ी फायदा होता है अब कौन से फूड हमें अवॉइड करने चाहिए कि ऐसे स्पाइसी फूड और डेयरी प्रोडक्ट्स की जिसके अंदर काफ़ी अमाउंट में प्रेजेंट है प्रोटीन कि मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग मिल्क बेस्ड प्रोटीन ड्रिंक्स फ्राइड फैटी ग्रीसी फूड एंड स्पाइसी फूड कि स्पेशली एक्सेसिव चीज़ है या फिर पनीर है वो तो आप अवॉइड ही कर लीजिए फिर काफ़ी स्पाइसेस वाला खाना तीखा खाना वो कम्प्लीटली अवॉइड करने चाहिए ड्यूरिंग द डायरिया कि जो भी डायरिया का पेशेंट है उसको गलती से भी ऐसा फूड नहीं देना है कम्प्लीटली अवॉइड मिल्क हो सके तो अवॉइड करवाइए डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह बट मिल्क की बात है यहाँ पे कर्ड और योगर्ट जो है वो पेशेंट ले सकते हैं बिकॉज उसके अंदर वो प्रोबायोटिक्स का काम करते हैं फिर फ्राइड फैटी ग्रेसी फूड वगैरह कंप्लीटली एवॉइड करने हैं स्पाइसी खाना भी अवॉइड करना है प्रोसेस फूड एस्पेशली दोस्त विद एडिटिव जो प्रोसेस फूड होते हैं काफ़ी सारे एडिटिव्स डाले हुए होते हैं वैसे फूड तो कंप्लीटली अवॉइड करवाने हैं फिर पोर्क कैन वील एज वेल एज सार्डिनेस अगर नॉन वेजिटेरियन है तो नॉन वेज तो कम्प्लीटली एवॉइड ही करवाना है रो वेजिटेबल्स एंड रूबार्ब वगैरह की जो ऐसे हुए ये सब फूड की जो डायरिया को और ज़्यादा इंक्रीज करते हैं तो वो कम्प्लीटली आपको एवॉइड करवानी चाहिए ड्यूरिंग द डायरिया अब बात करते हैं हम जिंक सप्लीमेंटेशन की तो जो झिंक सप्लीमेंट देते हैं पेशेंट को हम जिंक कि जिंक और ओ आर एस यहाँ पे लिखा है गिव ओ आर एस सोल्यूशन एंड जिंक टैबलेट्स एंड ड्राइव डायरिया अवे कि जिंक की जो गोली और डायरिया के लिए और ओ आर एस का सॉल्यूशन जिससे आप डायरिया कि जिसके दस्त कहते हैं उसको दूर भगा सकते हैं इंटेंसिफाइड डायरिया कंट्रोल फॉर फॉर्ट नाइट आई जो गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो ये अलग अलग चले थे जिसके अंदर ओ और जिंक तो जिंक की टोटल फोर्टीन टैबलेट्स और ओ दिया जाता है छोटे बच्चों को कि जिससे उनका जब इलेक्ट्रोलाइट लॉस होते हैं वो ओ आर एस एज वेल एज जिंक भी काफ़ी इफेक्टिव रहता है डायरिया के अंदर तो जिंक सप्लीमेंटेशन इज़ critical new intervention for treating diarrheal episodes in children The so only ORS neighbor zinc and ORS zinc and ORS recent studies suggest that administration of zinc along with new low osmolarity ORS can reduce the, di uh, the duration and severity of diarrheal episode for up to थ्री मंथ्स के समझो कि छोटे बच्चे को बार बार डायरिया का प्रॉब्लम हो रहा है तो जिंक और ओ का जो कॉम्बिनेशन है उससे उनको काफ़ी फायदा होता है और काफी महीनों तक हम डायरिया को जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं बाय दिस सप्लीमेंटेशन तो आपने ये देखे होंगे कि, कि आप समझो कि कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं सिविल हॉस्पिटल है पी एच सी सी एच सी से सेंटर तो वहाँ पे ओ का गोल और जिंक दो दस्त को दूर भगाओ ऐसे बहुत सारे आप पोस्टर देखेंगे कि जिंक और ओ का कॉम्बिनेशन और डायरिया को आप भगा सकते हैं कि जिसके अंदर स्पेशली हम देखें तो जो कॉम्बिनेशन है कि दस के दौरान बच्चों को ओ और जिंक दोनों ज़रूर दें दस के दौरान माँ का दूध तरल और खाद्य पदार्थ जारी रखें चौदह दिनों तक जिंक की खुराक देते रहे इवन समझे कि डायरिया ठीक हो जाता है फिर भी ये फोर्टीन टैबलेट्स की ये साइड सेवन और ये साइड और सेवन ऐसे टोटल फोर्टीन टैबलेट्स दी जाती है जिंक की और ये ओ आर एस तो भोजन से पहले और शौच के बाद साबुन से हाथ धोए बच्चों का मल धुलाने साफ करने के बाद भी साबुन से हाथ धोए और दस्त उपचार के लिए आशा या एनएचएम ई e एन एम दीदी से मिले स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार तो भारत सरकार भी काफ़ी प्रयास करती है नेशनल हेल्थ मिशन और नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंतर्गत की दस्त की जो डायरिया के मेडिसिन आपको फ्री में दिए जाते हैं और छोटे बच्चों के लिए तो ओ आर एस और जिंक की जो सप्लीमेंटेशन है वो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको देती है तो उससे के भी आप बेनिफिट्स ले सकते हैं तो ये था हमारा डिटेल वीडियो लेक्चर ऑन डायरिया तो मैसेज करिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए नाइन फोर टू सिक्स वन एट जीरो एट थ्री सिक्स फार्मारॉक्स का व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ सब्सक्राइब करिए चैनल प्रेस करिए बेल आइकॉन नेवर मिस एनी वीडियो ऑफ फार्मारॉक्स डाउनलोड करिए फार्मारॉक्स एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट